हेलो गाइस आज हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले समझते हैं एटम का स्ट्रक्चर एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं जो कि अपनी अपनी शेल में रिवॉल्व करते हैं के शेल एल शेल एम शेल और एन शेल ठीक है ये फोर शेल्स हैं जिन शेल्स में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने वाले हैं जो कि हम करेंगे ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग टू एन स्क्वायर ऑक्टेट रूल का फार्मूला है n मतलब है नंबर ऑफ शेल अगर हम के शेल की के बात करें तो नंबर ऑफ शेल ये वन है इसीलिए टू एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू और वन का स्क्वायर तो टू इलेक्ट्रॉन्स के शेल में आएंगे देन एम शेल एम एल शेल एल शेल में टू इन टू का स्क्वायर मतलब फोर तो फोर टू जै एट इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे उसके बाद आएगी एम शेल एम शेल में थ्री का स्क्वायर क्योंकि थर्ड शेल होती है थ्री का स्क्वायर नाइन और नाइन टू तो जै एटीन एटीन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और फोर्थ शेल है एन शेल एन शेल में फोर का स्क्वायर सिक्स फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और सिक्सटीन से टू का मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके के शेल में टू एल शेल में एट एम शेल में एटीन और एन शेल में थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं